हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जो कि है द मुगल एम्पायर। सो इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो वहां जाके पढ़ सकते हैं। प्लस बुक से हमने जो मुगल एम्पायर्स थे उनके टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हुए थे वो भी पढ़ लिए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो है मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन क्या होता है कि आगे जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी इनहेरिटेंस है, उसे कौन लेगा, कौन उस पर रूल करेगा, ठीक है। तो कौन सा मेथड वो यूज़ करते थे, मतलब आगे जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिवाइड होती थी, इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए। तो इसकी दो टेक्निक्स हमारे पास है, दो मेथड्स हमारे पास हैं। एक है प्रिमोजेनिचर और दूसरा है कोपरसेनरी। सो प्रोनाउंसिएशन आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए, प्रिमोजेनिचर क्या होता है, एल्डेस्ट सन इनहेरिट्स हिज फादर्स एस्टेट्स, मतलब जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो अपने फादर की सारी सारी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, वो राजा बनता है। ये होता है प्रिमोजेनिचर के बीच में। नाउ कोपरसेनरी के बीच में क्या होता है, डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन्स। अगर पाँच बेटे हैं तो पाँचों बेटों में इक्वल प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, ये होता है कोपरसेनरी में। तो जो मुगल ट्रेडिशन था सक्सेशन का, प्रॉपर्टी को डिवाइड करने का, वो कम्प्लीटली बेस्ड था कोपरसेनरी पे। मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी होगी आगे, जितने भी सन्स होंगे, उन सब में इक्वली डिवाइड होगी, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, जो बाकी रूलर्स होते थे उनके साथ मुगल्स के रिलेशन कैसे रहे। ये वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिलीव मी। तो देखिए, दो तरह से हो सकते थे रिलेशनशिप। यहाँ पे हम नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है, मुगल्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट दोज हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। जो मुगल्स की अथॉरिटी मानने से मना करता था, मुगल्स उसके अगेंस्ट कैंपेन यानी अभियान चलाते थे, उन्हें हरा देते थे और उन्हें अपने अंडर कर लेते थे। पहले तो उनकी ये टेक्निक थी। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो वो है सिसोडिया राजपूत ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के जो सिसोडिया राजपूत थे, ठीक है, उन्होंने पहले कहा कि हम आपकी मुगलों की अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट लेटर दे एक्सेप्टेड, बाद में वो मान गए। सो मुगलों की पॉलिसी क्या थी, डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग। वो और राजाओं को, बाकी रूलर्स को हराते थे बट उनको ह्यूमिलिएट नहीं करते थे, उनकी बेइज्जती नहीं करते थे, उनकी निंदा नहीं करते थे। दिस पॉलिसी लेड टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस। इससे क्या हुआ, इनका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया कि हाँ, मुगल जो है हराते हैं बट बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, आपको ट्रीट बहुत अच्छे से करते हैं, ह्यूमिलिएट नहीं करते। इससे उनका एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। ये तो हुआ, जो उनकी अथॉरिटी मानते थे उनको हरा देते थे बट उनको अच्छे से ट्रीट करते थे, ठीक है। दूसरी पॉलिसी क्या थी, उनका रिलेशन कैसा बनता था, मैनी ज्वाइन देम वॉलेंट्रली। अब बहुत सारे रूलर्स ऐसे होते थे वो खुद ही उनकी अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेते थे, मतलब खुद ही उनके अंडर वर्क करना चाहते थे। इसका एग्जांपल हम मान लेते हैं राजपूत से, जो राजपूत थे, मैरिज अलायंसेस लेड टू हायर पोजिशन। अब इसका मतलब क्या है, वो वॉलेंट्री कैसे ज्वाइन करेंगे, मैरिज अलायंस होते थे, मतलब जो भी राजपूतों की बेटियाँ होती थी उनकी मुगलों से शादी करवा दी जाती थी, जिससे उनका एक रिश्ता बन जाता था, कहते हैं ना वो समधी वाला रिश्ता बन जाता था, जिससे जो राजपूत थे उनको मुगल कोर्ट में हायर पोजीशंस दी जाती थी, हायर सैलरी, हायर रैंक दिया जाता था, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया मुगलों का रिलेशन बाकी रूलर्स के साथ कैसा था, दो तरह का था, या मना करेंगे तो युद्ध होगा, मान जाएंगे तो वेल एंड गुड, ठीक है, बट बहुत अच्छे से वो ट्रीट करते थे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे मनसबदार्स के बारे में, कि मनसबदार्स कौन होते हैं। दोज हु ज्वाइंट मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार्स। जो मुगलों की सर्विस ज्वाइन करते थे, मतलब मुगलों की अथॉरिटी एक्सेप्ट करते थे, उन्हें नाम दिया गया मनसबदार्स का। अब मनसबदार्स में भी मनसब वर्ड का क्या मीनिंग है वो देखते हैं। एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ पोजिशन और रैंक। एक ऐसा इंडिविजुअल जो किसी पोजिशन को या कोई रैंक को होल्ड करता है, मतलब उन्हें एक पोजिशन, एक हायर पोजिशन या हायर रैंक दे देते थे। अब किसी का रैंक कितना है, किसी की सैलरी कितनी है, कैसे डिटरमाइन होगी, इट वॉज डिटरमाइंड बाई अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जट। जट एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी, उससे डिटरमाइन किया जाता था कि इस इंसान का रैंक कितना होगा, इस इंसान की सैलरी कितनी होगी। हायर द जेट मीन्स लार्जर द सैलरी। जितना हायर जेट होगा उतनी ही ज़्यादा सैलरी होगी, तो जेट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया मनसबदार्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जमींदार्स क्या होते थे उनके बारे में।
तो देखिए, जमींदार्स को आप डिस्क्राइब कर सकते हो एज इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज क्या होते हैं? जो बिचौलिए का काम करते हैं। कैसे करते हैं, अभी हम उसको समझेंगे। जो मेन सोर्स था इनकम का मुगलों के लिए, वो था टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पीसेंट्री। यानी किसान कितनी प्रोडक्शन करते थे उस पर जो टैक्स लगता था, वही मुगलों का मेन इनकम का सोर्स था। अब जो पीसेंट्स थे वो टैक्स पे करते थे जमींदार्स को, ठीक है। अब टैक्स पे करते थे जमींदार्स को, और जमींदार्स वो टैक्स पे करते थे मुगलों को, वो पैसे देते थे मुगलों को। तो जमींदार्स क्या कर रहे हैं, किसानों और मुगलों के बीच में बिचौलिए का काम कर रहे हैं, इंटरमीडियरीज का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने जमींदार्स भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर के बारे में, कि अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था। टोडरमल था, जो कि राजपूत था, ठीक है। तो जो टोडरमल थे बहुत रिस्पेक्टेड थे, क्योंकि इन्होंने एक नया रेवेन्यू सिस्टम खोजा था। इन्होंने सर्वे किया बहुत सारे गांवों का, विलेजेस का, प्रोविंसेस का, और एक नया रेवेन्यू सिस्टम खोजा बनाया मतलब। और जो रेवेन्यू सिस्टम है, ये ऐसा रेवेन्यू सिस्टम था जिसको आगे चल के ब्रिटिशर्स ने भी वही यूज़ किया। आप समझ रहे हैं, जो ये एकड़ है, बीघा है, ये एक तरह से जो हम अभी भी यूज़ करते हैं ना, वो टोडरमल ने किया, बस नामों का थोड़ा अब फेर बदल है, राइट। तो इस रेवेन्यू सिस्टम का नाम था जब्त, राइट। अब हम पढ़ेंगे अकबरनामा के बारे में। देखिए कितने छोटे छोटे टर्म्स हैं ना, हमने मनसबदार पढ़ा, जमींदार्स पढ़ा, अब अकबरनामा पढ़ेंगे। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप क्लास सेवन्थ में हो तब तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अकबरनामा की बात करें, अकबरनामा क्या था, 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रियान। जो अकबर का रियान था, ठीक है, उसकी 3 वॉल्यूम्स की हिस्ट्री, 3 वॉल्यूम मतलब 1 वॉल्यूम, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम, लिखा किसने था, अबुल फैज़ल ने लिखा था। 3 वॉल्यूम्स थे इसमें। फर्स्ट वॉल्यूम में क्या था, अकबर के एंसेस्टर्स, जो अकबर के पूर्वज थे उनके बारे में था। सेकेंड वॉल्यूम में क्या था, इवेंट्स ऑफ अकबर्स रियान, अकबर का जो रियान था, ठीक है, जिस टाइम वो काम करते थे, उनका जो टाइम पीरियड था, उसके टाइम के जितने इवेंट्स हुए वो सेकेंड वॉल्यूम में थे। थर्ड वॉल्यूम में क्या था, एन ई अकबरी, अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर कैसा था, रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसा था, वो तीसरे वॉल्यूम में था, जिसका नाम था एन ई अकबरी। तो पूरी हिस्ट्री का पता करना है तो अकबरनामा, एडमिनिस्ट्रेशन का पता करना है तो एन ई अकबरी, राइट। अब हम पढ़ेंगे अकबर के टाइम की पॉलिसीज़ के बारे में, राइट। ओके, तो जो अकबर के टाइम में, जो अकबर का एम्पायर था, उसे प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। हर प्रोविंस का एक हेड होता है, अब जो प्रोविंस है ना, सॉरी यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, जो प्रोविंस है उसी का नाम है सूबाज, ठीक है। प्रोविंस को सूबा कहते थे उस टाइम में। सूबास के जो हेड होते थे उसे नाम दिया गया था सूबेदार का, बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस। अब जो सूबेदार है वो मिलिट्री फंक्शन भी परफॉर्म करेगा, पॉलिटिकल फंक्शन भी परफॉर्म करेगा, वो सारे काम करता था, ठीक है। वैसे ही प्रोविंसेस का एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जिसका नाम था दीवान, राइट। अब कुछ और ऑफिसर्स भी होते हैं उस टाइम पे, जिनके मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये, इनमें से क्वेश्चन हमेशा बनता है। एक तो फर्स्ट था बख्शी। बख्शी कौन होता है, द मिलिट्री पे मास्टर, जो मिलिट्री वाले लोगों को पे देता था, ठीक है। फिर है सदर। सदर कौन है, द मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, धर्म से रिलेटेड, चैरिटी से रिलेटेड जो भी काम काज होता था वो इस मिनिस्ट्री के अंडर आता था, जिसे इसका जो हेड है उसे कहते थे सदर। फिर फौजदार। फौजदार कौन होता था, मिलिट्री कमांडर्स, ठीक है। कोटवाल, कोटवाल द टाउन पुलिस कमांडर, जो पुलिस का काम करती थी उन्हें हम कहते थे कोटवाल, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आई डोंट थिंक आपको ये बोरिंग लग रहा होगा। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में, एंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम पढ़ेंगे कि अकबर के नोबल्स कैसे थे। नोबल्स आप समझते हैं, जो उनके ऑफिस में काम करते थे, जो भी ऑफिसर्स थे, नोबिलिटी थी। तो जितने भी नोबल्स थे उनके पास बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज होती थी, और लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, बहुत सारा पैसा होता था। जब तक वो लॉयल थे राजा के लिए, तब तक तो एम्पायर ने फंक्शन किया एफिशिएंटली, यानी बहुत एम्पायर फंक्शन एफिशिएंटली, मतलब एम्पायर ने बहुत ही अच्छे से वर्किंग, सारी एडमिनिस्ट्रेशन सब अच्छा था। बट लेटर एम्पायर वीकेंड, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो भी ये नोबल्स थे ये थोड़े पैसे की तरफ ज़्यादा झुक गए, इन्होंने अपने अपने नेटवर्क्स बना लिए, अपने अपने डायनेस्टीज बनाना चाहते थे, तो इससे एम्पायर जो है वो वीक होने लगा, ठीक है। ये तो जस्ट एक आप ऐसे कह सकते स्टोरी सी थी एक्स्ट्रा। इबादत खाना क्या होता है, एक नई टर्म आती है, इबादत खाना होता है प्रेयर हॉल, जहाँ पे प्रार्थना की जाती है। जितनी भी रिलीजियस डिस्कशंस होती थी, यानी धर्म से रिलेटेड जो भी चर्चाएं होती थी, वो इबादत खाना में ही होती थी।
अब हम पढ़ेंगे सुलह ईकुल कि सुलह ईकुल क्या था, मतलब मीन्स यूनिवर्सल पीस, मतलब एक तरह सार्वभौमिक लेवल पे आप कह सकते हैं शांति बनाना, ठीक है। इट वाज अ काइंड ऑफ अ न्यू सिस्टम ऑफ एथिक्स, एक एथिक्स का न्यू सिस्टम था जिसमें ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस पर बल दिया गया। ऑनेस्टी क्या होता है? ईमानदारी। जस्टिस क्या होता है? न्याय। पीस क्या होता है? शांति। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा बल दिया गया था, वो था सुलह ईकुल, अकबर ने इसे स्टार्ट किया था। अब हम आगे पढ़ेंगे नूरजहाँ के बारे में कि नूरजहाँ कौन थी। तो नूरजहाँ किसी का नाम नहीं है, ये टाइटल है, ठीक है, जैसे टाइटल देते हैं ना, वो था ये जहांगीर की वाइफ थी, रियल नाम था इनका मेहरुनिसा, और ये एक्सट्रीमली लॉयल थी जहांगीर के लिए। सो जहांगीर ने क्या किया था, इनके नाम पे जो सिल्वर कॉइन्स होते हैं ये मिंट करवाने भी शुरू कर दिए थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मुग़ल एम्पायर आफ्टरवर्ड्स कि जब मेन मेन रूलर्स ख़त्म हो गए ना, तो उसके बाद जो मुग़ल एम्पायर है इसकी क्या स्थिति रही। सो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी मुग़लों के, प्रशासन अच्छा हो गया था, मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी, विच लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी, जिससे क्या हुआ, ये बहुत इकोनॉमिक लेवल पे, इकोनॉमिक होता है आर्थिक लेवल पे यानी पैसे के रूप में, कमर्शियल लेवल पे व्यापार के रूप में बहुत प्रॉस्पेरस हो गए थे, बहुत रिच हो गए थे, इनके पास एनॉर्मस वेल्थ हो, धन बहुत हो गया था, विच मेड देम एक्सट्रीमली पावरफुल, यहाँ पावरफुल आएगा, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। बट लेटर देयर अथॉरिटी स्लोली डिक्लाइंड, अब बाद में क्या हुआ, इनकी अथॉरिटी जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगी और नई नई डायनेस्टीज के एमर्जेंस स्टार्ट हो गई, राइट। सो आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आपको पता है क्या करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो दैट मैं जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो दैट्स इट गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री का ही चैप्टर नंबर 5।